उसने उसको जारी है। जी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स बीएस फाइनल ईयर की तालबा मुनज़्ज़ा ने शोबा फिजिक्स की तीसरी मंजिल से आज तकरीबन दोपहर 1 बजे के करीब जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश जो है वो की है। तीसरी मंजिल से मुनज़्ज़ा ने छलांग लगाई और बेसमेंट में आकर मुनज़्ज़ा जो है वो गिरी, जिसके बायस उसके सर की हड्डी फ्रैक्चर हुई और इसके साथ साथ उसकी एक टांग जो है उसमें फ्रैक्चर जो है वो आया और अभी भी वो सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मौजूद है और तश्वीशनाक हालत में उसका इलाज जो है वहाँ पर जारी है। मुनज़्ज़ा ने जब खुदकुशी की कोशिश की तो उसके बाद बिल्कुल लाइब्रेरी के आगे आकर वो गिरी और वहाँ पर लाइब्रेरी में मौजूद जो तालबात और दीगर यूनिवर्सिटी का अमला था उसने उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया। तालबा के वालदैन जो है उनको भी फौरी तौर पर कॉल कर ली गई और जो प्रॉब कमेटी की इब्तदाई मालूमात थी उसके मुताबिक, जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक मुनज़्ज़ा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार थी, चूँकि जो वालदैन हैं मुनज़्ज़ा के उसने ना सिर्फ पुलिस को बयान दिया बल्कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जो प्रॉब कमेटी थी जिसने वालदैन से राबता किया तो उन्होंने बताया कि मुनज़्ज़ा जो है 2 हफ्ते कबल उसकी शादी हुई और उसके कुछ घरेलू मसाइल जो हैं वो चल रहे थे और 3 रोज़ कबल जो है मुनज़्ज़ा को उसके ससुराल वालों ने अकेली को लाहौर जो है वो भिजवा दिया था। उसकी सुपरवाइज़र जो है उनका भी यही कहना था कि उसने यूनिवर्सिटी ने उसको किसी किस्म की कोई कॉल जो है वो नहीं दी थी। पुलिस जो है उसने भी जाए वकूआ का क्राइम सीन का दौरा किया और तमाम तर मालूमात एविडेंस जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। फिलहाल वो सर्विसेज हॉस्पिटल के एमरजेंसी आईसीयू जो है बहुत शुक्रिया। जैसे कि इमरान जूनस हमें बता रहे हैं, पुलिस की जाने से भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है इस वाकये पर और यही कहा जा रहा है पुलिस के मुनज़्ज़ा की 15 रोज कबल